हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सीवी फॉरेंसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन ऑफ बुलेट के बारे में। सो इस वाले वीडियो में बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि जब भी हमें क्राइम सीन पर कोई बुलेट मिलती है तो उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हमें पूरा मतलब कौन कौन से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसका इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्ड वे में आज हम देखने वाले हैं बुलेट के एग्जामिनेशन के बारे में। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड वे में इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जो कि है एग्जामिनेशन ऑफ बुलेट। सो इन केस ऑफ बुलेट, इट्स साइज, शेप, टाइप, वेट एंड कैलिबर आर क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, वेयर एज स्क्रैच एंड फ्रैक्शन मार्क्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ बुलेट इज इट्स इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में मैंने आपको कार्ट्रिज केस वाले वीडियो में जब मैंने उसका एग्जामिनेशन बताया था वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल इन दोनों को ही बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। तो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लास कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। एंड इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से आपको सीधे मिल जाएगा, वो आपकी पूरी प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आपको वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर हम बुलेट के केस में बात करें, सो बुलेट के केस में जो उसकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं उसका साइज, शेप, टाइप, वेट एंड कैलिबर। एंड अगर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो बुलेट की सरफेस पर जो भी फायर्ड बुलेट होगी उसकी सरफेस पर जितने भी स्क्रैच एंड फ्रिक्शन मार्क्स प्रेजेंट होते हैं वो होती हैं उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो जितने भी आपकी बुलेट्स होती हैं बेसिकली इन्हीं के बेसिस पर उनका इंडिविजुअलाइजेशन किया जाता है, उनका पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है। अभी ये सारा कुछ कैसे कैसे करते हैं ये हम वन बाय वन एक एक करके देखते हुए चलते हैं, ठीक है। सो एग्जामिनेशन ऑफ बुलेट इज बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ कैलिबर, टाइप, मॉडल एटसेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर फायरआर्म। सो जब भी आप बुलेट की जितनी भी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि उसका कैलिबर है, टाइप है, मॉडल है, साइज है, शेप है, एंड इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सो उन सारी का एग्जामिनेशन करने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये पर्टिकुलर जो बुलेट है इसका एग्जामिनेशन किस कैटेगरी के फायरआर्म से हुआ होगा, इसका जो फायरिंग है वो किस कैटेगरी के फायरआर्म से हुई है, ठीक है। सो ये होता है आपका, इस तरह से आपको ये हेल्प करता है क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी जब आपको कैटेगरी पता चल जाती है उसके बाद में आपको पर्टिकुलर फायरआर्म को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। सो उसके लिए अभी हम देखते हैं कि आगे उसमें क्या करना होता है। सो जब भी आप इनका एग्जामिनेशन करते हैं, इनको आप कंपेयर करते हैं, उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है एक स्टैंडर्ड सैंपल की। सो स्टैंडर्ड सैंपल का कलेक्शन करने के लिए आपको जितने भी आपके पास जो आपका बुलेट मिलती है वो आपकी जो बुलेट रहती है वो किस पर्टिकुलर फायरआर्म से फायर करी गई है, वो अगर आपके पास सस्पेक्टेड फायरआर्म है तो उस सस्पेक्टेड फायरआर्म से आपको एक स्टैंडर्ड सैंपल का जनरेशन करना होता है, उसको डेवलप करना होता है, एक स्टैंडर्ड सैंपल का कलेक्शन करना होता है। सो उसके बाद में आपको जो बुलेट मिलती है स्टैंडर्ड सैंपल को, एंड फिर हम उसको कंपेयर करते हैं आपके क्वेश्चन सैंपल से, सो उसके बेसिस पर आपको पता चल जाता है कि जो भी आपका जो क्वेश्चन सैंपल है वो उस पर्टिकुलर फायरआर्म से फायर किया गया है या नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड सैंपल का कलेक्शन करने के बाद में, एंड स्टैंडर्ड सैंपल से ही आपका कंपैरिजन किया जाता है जो आपका होता है क्वेश्चन सैंपल उसको। देन इन केस ऑफ शॉट गन, डिटर्मिनेशन ऑफ बोर एंड इफ स्लग इज प्रेजेंट देन इट कैन कंपेयर विद द सेम सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम कंट्रोल फायर फ्रॉम अ सस्पेक्टेड फायरआर्म। सो शॉट गन के केस में क्या होता है, उसमें जो आपका एग्जामिनेशन किया जाता है वो आपके बोर साइज के बेसिस पर किया जाता है, बोर साइज आपका जो बुलेट रहता है वो आपका बोर साइज के, आपका जो फायरआर्म है उसका जो मजल एंड होता है वहाँ पर आपका बोर साइज का जो डायमीटर होता है वो होता है, एंड वही सेम आपका जो आपकी बुलेट रहती है तो उसके आइडेंटिफाई करने से आपको पता चल जाता है कि ये आपका मतलब आपका इस तरह से आपका ये फायरआर्म हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पर एक कैटेगरी बताता है, एंड जो आपका बोर का डिटर्मिनेशन होता है वो भी आपका जो रहता है क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। देन
अगर उसमें स्लग प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या करते हैं, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं सस्पेक्टेड फायर आर्म से, आपका जो कंट्रोल्ड फायर आर्म फायरिंग करके जो आपको स्टैंडर्ड सैंपल मिलता है तो उसको आप प्रॉपर एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपैरिजन हमें कैसे करना चाहिए, किन किन चीज़ों का कंपैरिजन हम करते हैं। सो व्हेन बुलेट कम्स आउट ऑफ द बैरल द इम्परफेक्शंस एंड रफनेस आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ बैरल फॉर्म्स द इम्प्रेशन मार्क्स ऑन द सर्फेस ऑफ बुलेट ड्यू टू फ्रिक्शन। सो जब भी आप फायरिंग करते हैं तो फायरिंग करने से क्या होता है, जो बुलेट रहती है जब बैरल से पास करती है, बैरल से बाहर निकलती है, तो बैरल के इंटरनल सरफेस पर काफ़ी सारी इम्परफेक्शंस होती हैं, बहुत सारी रफनेस प्रेजेंट होती है। तो वो सारी की सारी रफनेस जितनी भी रहती है, जो भी इम्परफेक्शंस होती हैं, वो सब आपकी बुलेट पर इम्प्रिंट हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, जितने भी आपकी इम्परफेक्शंस होती हैं वो सारी की सारी आपकी बुलेट की सरफेस पर इम्प्रिंट हो जाती हैं, उस पर अपना इम्प्रेशन छोड़ देती हैं। सो उसको आपको बोलते हैं, जो भी इम्प्रेशन लेफ्ट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन मार्क्स, या इनको हम कह सकते हैं स्ट्रिएशन मार्क्स। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है एक तरह से इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो आपको हर फायर आर्म में अलग अलग देखने को मिलेगी। देन द नेचर ऑफ इंटेंटेड मार्क्स इन थ्री डायमेंशनल एंड अंडर माइक्रोस्कोप दीज आर लुक लाइक स्ट्रिएशंस, दैट इज़ वाई दीज मार्क्स आर नोन एज स्ट्रिएशन मार्क्स। सो ये जो आपकी इम्परफेक्शंस होती हैं, जितनी भी रफनेस होती है, वो सारी की सारी आपको जब भी आप उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको बुलेट के सरफेस पर काफ़ी सारी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस की तरह से आपको दिखती हैं, स्ट्रिएशंस जैसी कुछ दिखती हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं स्ट्रिएशंस मार्क्स। देन लैंड एंड ग्रूव कंटेनिंग बैरल प्रोड्यूस मोर क्लियर मार्क्स। सो जो आपकी लैंड एंड ग्रूव्स होते हैं, जैसे कि राइफल फायर आर्म्स में आपके बैरल के सरफेस पर इनर इंटरनल सरफेस पर लैंड एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी आपके जो बुलेट रहती है उस पर इम्प्रिंट हो जाते हैं एंड उसकी वजह से बहुत ही क्लियर आपको मार्क्स नज़र आते हैं आपकी बुलेट के ऊपर। देन ड्यूरिंग कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिएशन मार्क्स प्रेजेंट ऑन बोथ सैंपल्स देयर इज द वेरिफिकेशन ऑफ करिस्पॉन्डिंगनेस एंड कंटिन्यूटी, दिस टाइप ऑफ मैचिंग इज नोन एज कंपोजिट मैचिंग। इन द स्टेट ऑफ अ पॉजिटिव मैचिंग इट कैन बी सेड दैट द केस बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ सस्पेक्टेड फायर आर्म। सो जब भी हम स्ट्रिएशन मार्क्स का या फिर जो भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस बुलेट की सरफेस पर, उन सभी को जब हम प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड सैंपल को, तो उससे हमको पता चलता है। तो उसको जब प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, दोनों का साइड बाय साइड उसका व्यू देखते हैं हम कंपैरिजन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो वहाँ से आपको उनकी करिस्पॉन्डिंगनेस एंड कंटिन्यूटी का वेरिफिकेशन करना होता है। एंड अगर इस तरह की जो मैचिंग होती है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट मैचिंग। कंपोजिट मैचिंग क्योंकि दोनों को हम साथ में रख के ही एग्जामिन करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं कंपोजिट मैचिंग। एंड इस तरह से आपकी जो भी उसमें स्ट्रिएशन मार्क्स दिख रहे हैं तो वो अगर सेम आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मैचिंग। एंड इसके पॉजिटिव मैचिंग होने के बाद में आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपको पर्टिकुलर फायर आर्म मिला है वो इस पर्टिकुलर सस्पेक्टेड फायर आर्म से ही फायर किया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके करा जाता है कंपैरिजन। एंड इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो इस वाले डायग्राम में देखिए, ये एक बुलेट है जो कि इसमें आपको काफ़ी सारे लैंड्स एंड ग्रूव्स दिख रहे होंगे। सो ये जो डिप्रेस्ड पोर्शन है ये है आपका लैंड एंड जो रेज्ड पोर्शन है ये है आपका ग्रूव। ठीक है, सो ये चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ। सो यहाँ पर आपका लैंड है, यहाँ पर ये वाला आपका ग्रूव है, फिर ये बीच में लैंड है, देन ये ग्रूव है, ये लैंड है। तो इनका जो आपका साइज रहता है, इनकी जो विड्थ है, इनकी डेप्थ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें यूज़फुल रहती हैं किसी भी पर्टिकुलर बुलेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इनमें जब आप इनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, जो भी इनके बीच में विड्थ होती है, इनकी जो लेंथ होती है, सो लेंथ से तो नहीं लेकिन इनकी जो विड्थ रहती है उससे आपको आइडिया लग जाता है कि ये पर्टिकुलर कौन से फायर आर्म का हो सकता है। सो इसका आपको लैंड एंड ग्रूव्स का एग्जामिनेशन करना होता है, इसका भी आप कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हुए ही एग्जामिनेशन करते हैं। देन यहाँ वाली इमेज में देखें तो ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन हो रहा है आपका फोर मैग्नीफिकेशन पर। सो ये आपका इधर साइड का एक बुलेट है, ये आपका एक बुलेट है, इसमें आपका एक स्टैंडर्ड है, एक इमेज है आपकी क्वेश्चन सैंपल की। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड पोर्शन दिख रहा है,
सो ये चीज़ें आपको दोनों में ही दिख रही हैं। सो ये जो आपका डिप्रेस्ड पोर्शन होता है ये बहुत ही क्लियर है यहाँ पर, ये होता है आपका कैनेलियोर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैनेलियोर। एंड इसमें आपको कुछ यहाँ पर आप देखें तो ये आपको लैंड्स दिख रहे हैं, ये आपके ग्रूव्स हैं, सॉरी जस्ट रिवर्स हो गया, ये जो आपका रेज्ड पोर्शन है ये आपके लैंड्स हैं एंड जो डिप्रेस्ड पोर्शन होता है वो आपका ग्रूव होता है। एंड यहाँ पर आप देखें जो आपका इसमें इस वाली इमेज में, इसमें जो आपका डिप्रेस्ड पोर्शन है वो आपका ग्रूव्स हैं एंड जो रेज्ड पोर्शन है वो आपका इसमें रेज्ड पोर्शन है वो आपके लैंड्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो लैंड के बीच के डिस्टेंस होती है उसको प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है। इसमें जितना भी आपका डिप्रेस्ड पोर्शन है वो आपके ग्रूव्स हैं एंड जितना भी रेज्ड पोर्शन है वो आपका लैंड्स होता है। सेम इसमें भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साइड बाई साइड इमेज आपको दिखाई जा रही है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आप स्ट्रिएशन मार्क्स की अगर बात करें, तो ये आपकी बुलेट है जिसमें आपके यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रिएशन मार्क्स प्रेजेंट हो गए हैं, जो कि आपके जो बैरल थी उसमें जितने भी तरह के इम्परफेक्शंस प्रेजेंट थी बैरल के इनर सरफेस पर, वो सारे के सारे इस पर इम्प्रिंट हो गए हैं। इसको जब आप साइड बाय साइड इमेज देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो ये एक क्रॉप्ड इमेज है जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सैम्पल है, एक आपका स्टैंडर्ड सैम्पल है, तो वहाँ पर आप इनको पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है। अगर सेम टू सेम अगर आपको दोनों में ही स्ट्रिएशन मार्क्स दिख रहे हैं पूरा अच्छे से एग्जामिनेशन करने के बाद में, क्लोज एनालिसिस करने के बाद में, तो उसके बाद में आपको पता चल जाता है कि ये दोनों ही आपकी सिमिलर, आपका जो स्टैंडर्ड सैम्पल है जिससे आपने स्टैंडर्ड सैम्पल को जनरेट किया है वही सस्पेक्टेड फायरआर्म से आपकी जो बुलेट है, जो आपको क्राइम सीन पर बुलेट मिली है, आपका जो क्वेश्चन सैम्पल है वो उसी पर्टिकुलर फायरआर्म से फायर किया गया है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन करने के लिए यूजफुल रहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लैंड्स एंड ग्रूव्स, डायमेंशन एंड ट्विस्ट एंड डायमीटर ऑफ बुलेट, लेंथ एंड शेप एटसेट्रा, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ फायरआर्म कैन बी डन। सो लैंड्स एंड ग्रूव्स, डायमेंशन, ट्विस्ट एंड डायमीटर ऑफ बुलेट, लेंथ एंड शेप एंड लैंड्स एंड ग्रूव्स होते हैं उनके नंबर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको टाइप ऑफ फायरआर्म पता करने के लिए यूजफुल रहती हैं। इसके बाद में नंबर ऑफ कैनेलियोर, डायमेंशन एंड डिज़ाइन कैन हेल्प इन द एस्टिमेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द बुलेट। सो समटाइम्स जो आपका डायमेंशन होता है उस पर्टिकुलर बुलेट का, जो डिज़ाइन होती है उसकी हेल्प से आप मैन्युफैक्चरर का आइडिया लगा सकते हैं। देन मैनी टाइम्स स्किड मार्क्स एंड साइलेंसर मार्क्स मे बी फाउंड ऑन द बुलेट फायर्ड फ्रॉम रिवॉल्वर्स विच आर वेरी हेल्पफुल एंड कंपेरिजन। सो कई बार क्या रहता है, आपकी बुलेट के सर्फेस पर स्किड मार्क्स नज़र आते हैं। स्किड मार्क्स मतलब बीच में उसमें कुछ स्लिपेज हुआ होगा, स्लिपेज हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं स्किड मार्क्स, या उसको हम स्लिपेज मार्क्स भी बोल सकते हैं। फायरिंग के टाइम पर कुछ दिक्कत हो गई जिसकी वजह से उसमें आपकी बुलेट थी उसमें स्लिपिंग हुई आपकी बैरल के अंदर साइड में, तो उसको हम बोलते हैं स्किड मार्क्स। इसके अलावा कई बार अगर आपने रिवॉल्वर या किसी भी फायरआर्म से फायरिंग करी है जिसमें कि आपने साइलेंसर को लगा के फायरिंग करी है, तो साइलेंसर में जो इम्परफेक्शंस होती हैं उसके इनर सर्फेस पर वो भी आपके बुलेट की सर्फेस पर बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जाएंगे एंड उस तरह के मार्क्स को हम बोलते हैं साइलेंसर मार्क्स, ठीक है। तो ये भी आपके कुछ मार्क्स होते हैं जो कि बुलेट की सर्फेस पर आपको देखने को मिलते हैं। देन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ अ बुलेट कैन बी डन थ्रू स्ट्रिएशन मार्क्स ऑन द बुलेट सर्फेस, कंपेयर इट टू द स्टैंडर्ड सैम्पल ऑब्टेनिंग फ्रॉम सस्पेक्टेड फायरआर्म, एट लास्ट इट कुड बी सेड दैट द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम सस्पेक्टेड वेपन और नॉट, ठीक है। तो ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव मैचिंग। सो अगर मान लीजिए आपके सारे एग्जामिनेशन करे उसके बाद भी आपको नेगेटिव रिजल्ट मिला, आपको कोई भी पॉजिटिव मैचिंग नहीं हुई उसमें, तो उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो इट इज़ पॉसिबल दैट द केस बुलेट फ्रॉम अ फायर फ्रॉम अ पर्टिकुलर फायरआर्म वो आपका डिफरेंट होगा, दैट मीन्स जो आपका फायरिंग हुई है जिस पर्टिकुलर फायरआर्म से जिससे आपने स्टैंडर्ड को डेवलप किया है, तो हो सकता है जो वहाँ पर आपको जो आपको क्वेश्चन सैम्पल मिला है वो उस पर्टिकुलर फायरआर्म से फायरिंग ना हुआ हो किया हो, ठीक है। इस तरह से आपका अगर सेकंड केस में अगर हम बात करें, सो इट कैन बी पॉसिबल दैट आफ्टर फायरिंग ऑफ अ केस बुलेट द कल्प्रिट इंटेंशनली डिड सम चेंजेस इन द बैरल ऑफ अ फायरआर्म और इट हैपन इटसेल्फ। सो
अगर आपको निगेटिव मैचिंग मिल रही है, कोई भी पॉजिटिव मैचिंग नहीं है उसमें, तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो आपका वहाँ पर आपको फायरा मिला है, तो हो सकता है उसमें जो भी आपका कल्प्रिट रहा होगा तो उसने उसमें कुछ इंटेंशनली उसकी इनर सर्फेस पर कुछ चेंजेस किए होंगे, या हो सकता है इनर सर्फेस पर अपने आप ही कुछ उसमें चेंजेस हो गए होंगे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा इट कैन बी पॉसिबल दैट द एनी वन बुलेट ऑफ कंपेरिजन मे कॉज एनी एक्सीडेंटल डैमेज ऑफ बुलेट कैरेक्टरिस्टिक्स और द ऑब्लिटरेशन ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपकी जो बुलेट मिल रही है तो वो आपको कोई किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव मैचिंग नहीं हो रही है, उस केस में हो सकता है कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज हो गया हो बुलेट की कैरेक्टरिस्टिक्स में, एंड उसमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी डेवलप हुई थी, जितना भी इम्प्रिंट हुआ था, वो सारा का सारा उसमें ऑब्लिटरेट हो गया हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको पॉजिटिव मैचिंग नहीं हो पा रही है तो उस केस में आप ये काम कर सकते हैं, लाइक मैनी टाइम्स देयर इज नो कंपेरिजन, कॉमन कंपेरिजन इज बिंग डन ड्यू टू द सीवियर डैमेज्ड स्टेट ऑफ बुलेट। इन दिस स्टेट कंपेरिजन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द वेट एंड मेटल एनालिसिस ऑफ बुलेट। सो अगर आपको निगेटिव मैचिंग मिल रही है, आपको पॉजिटिव मैचिंग नहीं मिल रही है, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर बुलेट की वेट एंड मेटल का एनालिसिस करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ क्लू मिल सकता है, तो वेट एंड मेटल की एनालिसिस करने से आपको आइडिया लग सकता है। सो ये आप इतना सारा काम कर सकते हैं। एंड बाकी अगर आपको निगेटिव मैचिंग मिल रही है तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी आपका बुलेट है तो वो सीवियर डैमेज हो चुका है, तो उसमें आपको जितने भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने चाहिए थे वो सारे के सारे किसी वजह से आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप ये सारा काम कर सकते हैं, इसमें वेट का एनालिसिस कर सकते हैं, मेटल का एनालिसिस कर सकते हैं, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का हेल्प करते हुए आप जितने भी उसमें केमिकल्स यूज़ हुए हैं, जितने भी आपके मेटल्स उसमें थे, वो सारे के सारे का आप आइडिया लगा सकते हैं। वहाँ से आपको पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एंड ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स थी जितने की जिसके आप यूज़ करते हुए किसी बुलेट का आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया है, एंड यहाँ तक जितना भी हो सकता था, जितने भी आपके पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, वो सारा का सारा मैंने आपको इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एंड अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए इतना सफिशियंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इतने सारे पॉइंट्स आपके लिए सफिशियंट होते हैं। एंड मैं प्रेजेंटेशन इसी वे में बनाती हूँ ताकि अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप प्रॉपर यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसके बाद में हम कुछ और बात करेंगे। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड प्लीज़ शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, जो कि नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं, तो उनको भी बेनिफिट होता रहे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।